देखो काफी सारा सामान दे रखा है, जरूरत का सभी सामान ले लिया जितना मेरे बस की हो सके। अरे मैं बता भी नहीं रहा था दादी का घर ये है। दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे में रहती है दादी। बोलवान तुम्हारू सब फूटिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ एकदम। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों बहुत समय से मेरी तबीयत खराब चल रही थी और जो मेरी आजकल वीडियो आ रही थी वो काफी पुरानी हो गई थी। फिर मैं दो दो दिन में एक एक वीडियो डाल रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। पैदल के सफर में मैं हमेशा पैदल का सफर ही तय करता हूँ, जो कि 8-9 किलोमीटर पड़ता है। सॉरी गाइस, अरे ये देखो इसने पूरे यहाँ पर आंट छोड़ दिए हैं। ये है हमारा नया भाई, मेरे को मैं इसको भाई भाई बोल के बुलाता हूँ। बाकी इसका नाम रखा है हमने जैकी। जैकी हमारे पड़ोस का कुत्ता भी है, लेकिन हमने इसका नाम रखा है क्योंकि हमारा बहुत पहले एक डॉगी हुआ करता था जिसका नाम जैकी हुआ करता था और उसकी डेथ हो गई। वो कहते हैं ना, भगवान जब एक को ले जाता है तो दूसरे को जरूर दे जाता है, तो हमारे साथ एक नया मेहमान जुड़ गया है और इसका नाम हमने रखा है जैकी। बाकी देखो दादी भी लगी पड़ी हैं और दादी की पेंशन बहुत समय से नहीं आ रही है, तो आज मैं पेंशन का पता करने जाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट देखने जाऊंगा कि क्यों नहीं आ रही है। चलते हैं मार्केट की ओर। है ठीक है फिर दादी हैं, दादी भी लगी हैं। अरे यार दादी को तो मेरी चिंता लगी रहती है, बाकी दादी भी काम पे लगी रहती हैं, मतलब दिन भर दादी फ्री नहीं बैठती हैं। और 90+ हो चुके हैं, 92 ईयर्स हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे साक्षी भी झाड़ू लगाने पे लगी पड़ी है। और साक्षी खाली हाथ मत आने वाले यार, अब क्या बोलें। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट पैदल के रास्ते, लगभग हमें आए हुए 3-4 साल हो गए हैं और अभी तक मैं 100 में से 90 बार पैदल ही गया हूँगा। और इसी जंगल में हमारे गांव के घास लेने भी आ रखे हैं। और यहाँ पे देखो हमारी चाची जी, देखो कितना बड़ा भारा निकाल रखा है उन्होंने घास का। और एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता देता हूँ, बहुत समय पहले दोस्तों एक वीडियो बनाई थी मैंने छोटी सी, मैं कहीं खेत में जा रहा था तो वहाँ पर वो दादी मिली थी, तो मैंने कही थी कि अगर इनकी हेल्प हो सके तो ज़रूर करना, क्योंकि उनका कोई था नहीं, लड़का भी नहीं है और लड़के की बचपन में डेथ हो गई थी। बाकी आगे आपको वीडियो में बताता रहूँगा। तो बहुत से लोगों ने डोनेट किया था, आप लोग बोल रहे होंगे यार तब से वीडियो नहीं डाला है, तो ऐसी चीज़ों में होता है यार, लोगों का विश्वास उठ जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब ठीक हो गई है, तो आज मैं उसी से रिलेटेड मार्केट जा रहा हूँ। ये देखो गाइस, हमारे गाँव के ज़्यादातर सभी लोग यहीं आते हैं, इतनी दूर, मैं घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर हूँ और इतनी दूर से घास ले जाते हैं तब जाके दूध मिलता है। तो मैं पैदल इसी रास्ते आ रखा था, मैंने कहा ये लोग जब यहाँ से पैदल आके घास ले जा सकते हैं तो हम लोग पैदल भी क्यों नहीं जा सकते। बाकी यार भगवान की और माता रानी की कृपा रहेगी तो एक दिन बाइक वाइक जरूर ले लेंगे। जोशीमठ हल्द्वानी के बाद दोस्तों आप जोशीमठ के भी वही हाल होने लग गए हैं। आप सभी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के आदेश बंद कर दिए हैं कि वहाँ पे आप घर टूटना बंद हो गए हैं। दोस्तों ये सब हुआ है आपकी वजह से, लेकिन ये सिर्फ अभी हल्द्वानी में हुआ है और ये सब हुआ है सोशल मीडिया की ताकत से, आपकी वजह से। अगर आप लोग ये मुद्दा नहीं उठाते तो ये गोदी मीडिया कभी उस पर वो नहीं करते सपोर्ट, मतलब वो वहाँ झांकने तक नहीं आते, वीडियो बनाते ही नहीं, अब उन्हें मजबूरी में बनानी पड़ रही है वीडियो, जो ये गोदी मीडिया भी। कब तक यार दोस्तों आप मोदी गोदी करते रहोगे यार? दोस्तों धीरे धीरे आप सभी की समझ में आ जाएगा, जैसे हम लोग अग्निवीर भर्ती में गए, तो जब इंसान पे खुद पे बीतती है तब उसकी समझ में आ जाती है। ये विकास के कारण विनाश कर रही है दोस्तों। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने कब के गाने बना दिए थे, क्या क्या हो रहा है, कैसे लोग रो रहे हैं, 512 घर। दोस्तों इस टॉपिक पे मैं बहुत लंबी वीडियो बना सकता हूँ, अगली वीडियो में मैं जरूर इसमें ढंग से बात करूँगा। दोस्तों इस चीज़ के बारे में मुझे इतनी नॉलेज रहती है ना, भले मैं कॉलेज गया नहीं हूँ। तो दोस्तों फाइनली अभी सुमाड़ी मार्केट में पहुँच चुका हूँ। मैंने सोचा तिलवाड़े से बढ़िया यहीं रुकते हैं, यहीं सामान लेते हैं। बाकी आप देख सकते हो धीरवान जनरल स्टोर, भैया जी का जनरल स्टोर है, सैलू भैया का। बाकी सैलू भैया वैसे भैया भी हैं और कहने के लिए दोस्त भी हैं, क्योंकि हमेशा दोस्ती दोस्तों ऐसे इंसान से रखनी चाहिए जो आपसे उम्र में बड़ा भी हो, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो और जिसका बिजनेस फैला हुआ भी हो, मतलब हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बाकी ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपके लिए घाटेमंद साबित हो जाए। बाकी फायदेमंद मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई और धंधे की बात करो, मतलब ऐसे नॉर्मली होता है ना कि अपने से बड़े से कुछ सीखने को मिलता है जब इतनी बड़ी दुकान चला रहे हैं। पहले तो मैं आपको इनकी शॉप दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, मतलब A to Z सामान मिलेगा आपको यहाँ पे। तो दोस्तों दादी के लिए कुछ सामान लेते हैं, मैं उनके घर में गया तो मैंने देखा राशन तो है, क्योंकि कंट्रोल से मिल जाती है राशन, मतलब जो आटा चावल मेन रहता है वो राशन से मिल जाता है, सरकार दे रही है, इस बात पे सरकार को थम्स अप बोलना चाहेंगे। और कुछ सामान की लिस्ट मैंने बनाई है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसने कितने रुपए दिए। तो 1 रुपया दिया है दिगपाल सिंह ने, 1 रुपया भी बहुत मायने रखता है, आपने देखा होगा जब हम लोग न्योता देने जाते हैं तो 101 रुपया, 111, 121, तो 1 रुपया शगुन के तौर पे माना जाता है, बहुत बढ़िया बात है, आपने 1 रुपया भी दिया दोस्तों। और दूसरे हमारे सुभाष राणा जी, उन्होंने दिए 50 रुपये, तो भाई को थैंक यू बोलना चाहेंगे, आपने मुझे नहीं दिया, अम्मा को दिए बट मेरे थ्रू दिए हैं। और 10 रुपये दिए हैं शुभम गढ़वाली ने, और
पल्लवी बिष्ट की तरफ से आए 10 रुपए। एक एक रुपया भी बहुत मायने रखता है दोस्तों, आपने 10 रुपए दिए बहुत बड़ी बात है। और नवीन भाई ने दिए, नवीन नेगी ने 50 रुपए और 250 रुपए। अजनीश शर्मा, तो इनका एक चैनल है जरूर देखें, शर्मा जी ने दिए हैं, ये है 250 रुपीज, जो कि बहुत ठीक ठाक अमाउंट है दोस्तों। और इतनी मदद की तो दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे भाई साहब आपका, अंकल जी बोलेंगे आपको, क्योंकि आप उम्र में काफी बड़े। तो इनका चैनल भी है एडवेंचर विद शर्मा जी, जरूर देखें, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं बट बढ़िया बनाते हैं। और 100 रुपए दिए आनंद सिंह जी ने, तो भाई को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे, थोड़ा खांसी भी हो रही है। 11 रुपए दिए गौरव सिंह भाई ने, भाई इतना ही हो सका मेरे से, गौरव पोखरियाल हरिद्वार से, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 11 रुपए दिए सगुन के तौर पे, 11 रुपए बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू भाई। और 100 रुपए दिए अमित भाई, मनीष रावत जी ने, सबसे पहले इन्होंने ही 100 रुपए दिए थे, अमित भाई ने वीडियो में दादी जी की मदद के लिए बोला था उनके लिए, क्योंकि ये मेरे भाई के लिए भेजे थे सबने पैसे, मैंने उनका नंबर दिया था, तो 100 रुपए मनीष रावत जी ने दिए सबसे पहले। और 10 रुपए दिए रावत पहाड़ी गेमर ने, इनका शायद चैनल तो जरूर देखें आप लोग। 20 रुपए दिए हैं सुमित नेगी ने, सुमित नेगी मतलब मेरे भाई का नाम भी सुमित नेगी है बट ये किसी और ने दिए हैं। और ये टोटल मिला के हुए हैं 612 रुपए। और 100 रुपए दिए हैं हमारे एक भाई ने दिए हैं, विवेक भाई, जो कि यहीं से, वैसे तो उन्होंने मना किया था कि भाई मेरा नाम मत लेना कि मैंने 100 रुपए दिए हैं, बट आपने गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया है, तो इसलिए हम नाम लेंगे। तो दोस्तों मेरे पे टोटल 712 रुपए हो चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत पैसे मैं अपनी तरफ से भी मिलाऊंगा, और कुछ भैया ने भी बोला कि जो मेरे से मदद हो सके तो मैं भी करूंगा बिल्कुल। तो अभी सामान लेते हैं दोस्तों फटाफट, क्या क्या चाहिए मुझे, मैंने लिस्ट बना रखी है। और आटा चावल के लिए मैंने बोला ही था कि कंट्रोल से मिल रहा है, तो घर का सामान लेते हैं जो भी चाहिए होता है। तो भैया आप कर दो 2 किलो साबुन कर दो पहले, तो कपड़े धोने वाले। दोस्तों जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा यार उनके घर पे आटा चावल ही था, और कुछ ज्यादा वैसा सामान था नहीं। अगर मैं नहीं देता तो, मैं चाहता तो पैसे भी दे सकता था यार, बट हर चीज पैसे से पूरी नहीं होती, पैसा हाथ का मैल है, आता चला जाता है। हाँ ब्लैक कोई सा भी रख दो, बढ़िया रखना बस। दुकान काफी बड़ी है दोस्तों, फैली हुई आप देख सकते हो यहाँ से लेकर वहाँ तक, जब ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता है, बट हर चीज़ के लिए दोस्तों मेहनत करने जरूरी होती है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता है। बिजनेस चलाने के लिए भी माइंड होना चाहिए, जो कि भैया के पास है तभी तो चला रहे हैं। हम भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं दोस्तों। नहाने वाली साबुन भी चाहिए भैया, कितना चाहिए? 2 पैकेट दे दो, चलो जाएगा। तो 2 पैकेट ये रखे हैं दोस्तों मैंने, ये मेरा पैसा नहीं है आपका ही पैसा है दोस्तों, फिर देखते हैं कितने का बिल बनता है। बाकी आप दे दो एक चाय पत्ती का पैकेट आधे किलो वाला, 250 ग्राम वाला, फिर एक नमक, एक पैकेट नमक रखा है, और मिर्च ये दे दो, मसाले दे दो, दो दो पैकेट दे दो सबके। ये आपका मिर्च आ गया, ये आपकी 2 धनिया पैकेट आ गई, और आपकी ये 2 हल्दी के पैकेट आ गए। चीनी दे दो 2 किलो। दोस्तों यार इतना ही बहुत चल जाएगा, लगभग 1-2 हफ्ते तो चलेगा, अब अकेली रहती हैं दादी तो कुछ तो चली। मैगी की 5 पैकेट दे दो, मैगी इमरजेंसी के काम आ जाती है दोस्तों, मैगी भी आ गई है। 1 पैकेट दूध का भी दे दो, वैसे तो गाँव में दूध मिल जाता है बट 1 पैकेट ले लेते हैं भैया से, अब बजट ही इतना है। 2 पैकेट सिवाई दे दो, एक धूपबत्ती एक अगरबत्ती भी दे दो, दे दो दोनों, एक धूपबत्ती एक अगरबत्ती, एक आधे किलो निर्मा दे दो भैया, आधे किलो निर्मा, एक पेस्ट ब्रुस तो होगा ही दादी के पास, बिस्कुट के पैकेट भी दे दो, दो बिस्कुट के पैकेट, एक रस का पैकेट, आधे किलो तेल की शीशी दे दो। दोस्तों यार जितने बस का हो सकता है उतना कर सकता हूँ, बाकी अगर 200-300 कम भी होंगे तो अपनी तरफ से लग जाएंगे। दोस्तों एक बहुत जरूरी चीज, दादी के पास मैंने देखे चप्पल नहीं थे, हमारे गांव, हमारे क्या ज्यादातर पहाड़ों में गांव में ऐसे होते हैं, जब तक चप्पल का एकदम भूते सड़ नहीं हुआ ना, जब 50 जगहों से नहीं फटी तब तक लोग पहनते रहते हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तब पहनने के बाद उनकी एड़ियां है ना जो काम करना बंद कर देती हैं बाद के समय, आपने देखा होगा एड़ियों में दर्द होने लग जाता है, घुटने में तो होता ही है क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहता है, हैवी काम भी रहता है। तो मैंने सोचा यार एक जोड़ी चप्पल भी लेके चलते हैं, भैया की दुकान ऑलराउंडर है, मतलब सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पे। हाँ बस चप्पल बढ़िया है, फ्लाइट की है, बस रिलैक्सो, और रिलैक्सो आपको पता है दोस्तों बढ़िया कंपनी है। जरूरत का सभी सामान ले लिया है, जितना मेरे बस की हो सके, जितना आप लोगों ने दिया उसी में से सामान लिया है, बाकी एक चार्ज भी लिया मैंने क्योंकि चार्ज होना बहुत जरूरी है, आपको पता है पूरे मार्केट में कहीं जूस नहीं मिल रखा है, तो मैंने सोचा चार्ज हो जाते हैं, स्टिंग और चार्ज मेरे फेवरेट है। बाकी दोस्तों ये सामान आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिया मैंने, आप लोग अंदाजा लगा देना, मैं भैया से बिल बनवा देता हूँ कि कितने का है। सारा सामान ले लिया है जितना लेना था, बाकी बिल भी बन गया है, 1000 के समथिंग बना है, और ये सब डिस्काउंट लगा के बना है, मतलब भैया ने अपनी तरफ से जितना हो सके जिस चीज में होलसेल रेट पे दिया, आप ये लगा लो मतलब कि भैया को जो सामान जितने का मिला उन्होंने वो उतना ही हमको लगाया, बाकी थोड़ा बहुत सब्जी लेनी है अभी आगे जाते हैं, और ये सब सामान पैक कर लिया है।
भैया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे यार, आपने किसी की इतनी इतनी मदद की, तो बढ़िया है। आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है आपको पता होगा, बट यार भैया का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे। आपकी मनोकामना जल्द ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, जो ऐसे गरीब लोगों की इच्छाएं और मदद करते रहते हैं। आपका ब्लॉग बहुत अच्छा फेमस हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सच बताऊं तो ये मदद मैंने नहीं की है, ये सिर्फ आप लोगों के थ्रू हुआ है। मैं तो एक जरिया हूं, बट यह है कि आप लोगों ने देखा भाई कौन कैसा है, मतलब मदद करनी चाहिए लेकिन उन्हीं की करनी चाहिए जिनको जरूरत हो। अभी आ रखा हूँ मैं अपने गांव की दुकान में, और जब भी मुझे कुछ भी सामान लेता हो सब्जी से रिलेटेड तो मैं यहीं पे आता हूँ। चाहे पूरे बाजार, सैलू भैया की भी दुकान थी जहाँ पे मैं अभी तक सामान ले रहा था, उनके यहाँ पे भी सब्जी मिलती है, लेकिन मैंने कहा यार अपने गांव की दुकान तो अपने गांव की होती है। ताऊ जी हमारे बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, इससे पहले दुबई रह के आए हुए हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आता है जब बंदा बाहर रहता है ना। बाकी यहाँ से कुछ सब्जी ले जाते हैं दादी के लिए। तो दोस्तों मैंने तो रखी है यहाँ पे सब्जी, आलू प्याज टमाटर जो भी नॉर्मल होता है, और ताऊ जी ने अपनी तरफ से दिए हैं एक दर्जन से भी ज़्यादा केले, ये हैं दादी जी के लिए। अभी आ रखो मैं अपने दोस्त की दुकान में, वैसे इनकी दो शॉप हैं, बाकी ये भी कुछ मदद करना चाहता है अपनी तरफ से। रखे हैं समोसे और बिस्कुट, तो बढ़िया यार सब अपनी अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, तो भाई ने भी किया है। भाई मेरे साथ, भाई रैपर है यार, तुमने इसके गाने सुने होंगे एक दो दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच। खांसी हो रही है मुझे। घर जाने का समय आ गया है, दाढ़ी बाल बनाने आ रखा था लेकिन सीन नहीं हो पाया, लास्ट गाड़ी यही है। धीरे धीरे काफ़ी शाम हो चुकी है, तो मैंने सोचा मेरा घर काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग 300-500 मीटर, और दादी का यहीं ऊपर पे, तो मैंने सोचा पहले दादी के घर पे ही चले जाते हैं। फाइनली दादी के घर पे पहुँच चुके हैं, और दादी तो कोठी देखने जा रखी है, अभी दादी भी पहुँच गई हैं, और दादी के लिए काफ़ी लोगों ने सामान भी, मतलब आप लोगों ने पैसे दिए उसका मैं सामान लाया, आपने देखा होगा बाजार में क्या क्या लिया। बाकी अभी दादी को देते हैं, देने का समय आ गया है, और मैं बता भी नहीं रहा था दादी का घर ये है, और काफी लोग बिहार के यहाँ पे। दोस्तों सबसे पहले तो ये केले दिए हमारे मस्तान ताऊ जी ने, जो कि हमारे गांव के दुकान वाले हैं, तो ये उन्होंने अपनी तरफ से भेंट दिए हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, वो भी कोई भी अपनी तरफ से देता है। और बाकी ये सामान भी ला रखे हैं। मैं बोल नहीं रहा था दोस्तों, गांव में लोग देखो काफी सारा सामान दे रखा है, जो है दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, मैं आटा चावल भी ला सकता था, बट वो लोग वो चीजें कंट्रोल में मिल जाती हैं, और घर का जो डेली बेसिस पे सामान रहता है वो सिर्फ लाया हूँ मैं, और जितना मेरे बस के थे। अभी इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं कि जो सब कुछ ला दें, और ये भी आपकी वजह से हुआ, मतलब मैं भले वीडियो मैंने बनाई है लेकिन आप लोग नहीं देते, तो मैं भी किसी की हेल्प क्यों कर पाता। एक दोस्त रहता है, इसमें समोसे हैं और ये हैं, तो ये मेरा एक दोस्त की दुकान है तिलवाड़ा में, तो उसने भी अपनी तरफ से दिया है। हर कोई मदद करता है तो सबका नाम लेना जरूरी है। बाकी जिसने जितने भी रुपए दिए थे मैंने आपको बता दिया होगा। बाकी दोस्तों ये सब्जी भी है, कुछ बन भी चाना कि आप मदद कर जूं तुम आगे भी फोड़ी में मेरा कुछ काम सो को दूध नहीं सो बोले रहता दी ना मैं मदद जूं तो मैं मदद करनी या एवा बोलवान तो मारू सब ध्यान दिन तो मोना आगे भी फोड़ी मेरा कोई नहीं मेरे बाप कोई नहीं मेरे अरे जा रो ना। बाकी दोस्तों धन्यवाद देना चाहेंगे आप सभी का, आप ही की वजह से ऐसा हुआ है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते, एक बात बता दूं वो वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंची नहीं थी, अभी भी अगर कोई मदद करना चाहता है आप घर देख सकते हो, और इनके लड़के लुड़के है नहीं, अगर लड़के होते तो वो हेल्प कर देते। अगर अभी भी आप मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्या बोलते हैं सुमित नेगी नाम से आएगा, अगर आप उस पर जितने भी रुपए डोनेट करोगे तो मैं एक एक रुपया आपको बता दूंगा कि किसने कितने रुपए भेजे हैं, जैसे मैंने आज की वीडियो में बताया है कि किसने कितने रुपए भेजे हैं, तो ऐसी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अगर आप कोई देना चाहते हो तो। क्योंकि यार इतनी सी मदद तो ये तो एक दो हफ्ते का राशन होगा, ये ज्यादा मदद नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जितने बस का था उतना बहुत है। कलयुग चल रहा है लेकिन इसमें भी दो चार अच्छे इंसान निकल जाते हैं, वो आप लोग हो, आप ही की वजह से इतना कुछ हुआ है। दादी का कोई नहीं है, मतलब ये लगा लो, क्योंकि लड़कियां जो रहती हैं वो अपने ससुराल चली जाती है, तो उनको फिर ससुराली में उनका काम रहता है। पेंशन मिलती है ना, मतलब पेंशन आती है ना। तो दोस्तों अभी अंदर दिखाता हूँ मैं क्या हाल हो रखे मकान के। अरे
दोस्तों आप देख सकते हो ऐसे में रहती है दादी। हाँ हाँ अरे आपको हाँ अरे देख लेते तो दोस्तों अगर आपसे फिर हो सके तो अगर आप हेल्प करना चाहते हो क्योंकि जितनी हेल्प हुई है वो सिर्फ घर के राशन के लिए। अगर आपसे एक रुपया भी बनता है तो एक रुपया भी बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। तो आप दे सकते हो, यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे जरूर दें। ये मेरे भाई का नंबर है, छोटे भाई का नंबर है, बाकी काफी गांव वाले भी आ रखे हैं। चलते हैं यार अभी अपने घर की ओर। तो दोस्तों अभी घर पे पहुंच चुके हैं और क्या ही मस्त फीलिंग आ रही है यार, क्या बताऊं, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आज तक नहीं आई मेरे को। और बाकी यहाँ पे दादी चाय पी रही हैं और मैं कह नहीं रहा था सुबह पेंशन की बात कर रहा था तो दादी की पेंशन नहीं आ रखी अभी, उन्होंने कहा इस महीने लास्ट तक एक बार पता करते रहना, आएगी जरूर, बाकी देखते हैं। और ये हमारा जैकी, हेलो ब्रो हाउ आर यू, पूंछ खड़ी रहती है, परसों ही काटी है इसकी पूंछ, रोया भी नहीं है देखो। दादी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और बस, और क्या चाहिए दोस्तों, यही चाहिए लाइफ में। और हर कोई ऐसा ही रहे कि मतलब जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं हो। बाकी दोस्तों आप लोग भी अपनी लाइफ में खुशी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जैकी दो कुत्तों के नाम है, मैं बता नहीं रहा था, एक मेरे पड़ोस में और एक ये है। दिक्कत ये है कि जब मैं इसको बुलाऊंगा वो ना आ जाए और जब उसको बुलाऊंगा तो ये ना चले जाए। यहाँ पे चलिए अभी सिलाई, मम्मी भी बहुत पहले सिलाई सीख गई थी और इतना परफेक्ट हो गई थी मम्मी, जब से गांव आई है तो धीरे धीरे सब भूल गई है क्योंकि यार आंखें कमजोर हो गई है काम कर करके। ठीक है साक्षी सीख रही है। बाकी दोस्तों आप सभी के कारण ये संभव हो पाया है कि किसी की मदद कर पाया हूँ मैं इतनी छोटी उम्र में, चाहे वो एक रुपये की हो चाहे दस रुपये की हो, और सबसे बड़ा योगदान तो आपका ही है। तो अगर आप आगे भी मदद करना चाहते हैं दोस्तों, मैंने आपको दिखाता हूँ उनका घर कैसा है, कैसे में वो रह रही हैं, कभी भी गिर सकता है, बहुत रो भी रही थी वो। बाकी दोस्तों अगर आप फिर भी मदद करना चाहते हो तो मैंने आपको नंबर दिया, उनके पास अकाउंट बैंक बूंक का कुछ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, सिर्फ पेंशन आती है वो भी पोस्ट ऑफिस में। तो अभी बता रही थी कि इस महीने की आई नहीं है, दादी की भी नहीं आई है, तो अब निकालने जाएंगी। तो दोस्तों अगर हो सके आपसे 100, 50, 10 रुपये भी, 1 रुपया भी दोगे तो मैं वीडियो में नाम लूँगा यार, जैसे मैंने आज की वीडियो में बोला किसने कितने दिए और कुछ अपनी तरफ से भी लगाया, 100, 200, 300 यार। अभी छोटे यूट्यूबर हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जिस दिन बड़े होंगे तो अपने हिसाब से ज़्यादा भी दे देंगे, अभी जितने मेरे बस की थी मैंने उतना किया। बाकी दोस्तों ये सभी आपके कारण हो पाया है, तो अब यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने भाई को, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें दोस्तों, हमसे जो बन सकेगा हम वो करेंगे इन फ्यूचर। धन्यवाद।